1 will go for the dashboard and 4 will be for doors. इस तरह का एक मोबाइल ऐप आता है तो कंट्रोल कर सकते हो इस लाइट का कलर एंड देख ही सकते हो स्क्रीन लगाने वाला देख सकते हो ब्लॉकबस्टर का ये 9 इंच का स्क्रीन लगने वाला है। इसको लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। टेप ये अभी हट के पायोनर का था ये। तो काफी टाइम से मतलब सिर्फ बाइक का कंटेंट आ रहा था तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा कंटेंट को चेंज किया जाए एंड क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैंने ये लिया था तो एक बार बाहर से भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो रैप वगैरह भी करवाना है कार पे देख ही सकते हो। एलॉय वगैरह तो मैंने खुद से पेंट कर लिया लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रैश हो गया कार लेने के बाद तो ये पार्ट भी पेंट होगा एंड पेंटिंग वगैरह का काम बाकी है एंड स्पॉइलर देख सकते हो उधर लगा हुआ है। स्पॉइलर मैंने ऑलरेडी लगा दिया था। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो मॉडिफिकेशन ब्लॉग होने वाला है अपना कार का। तो सबसे पहले तो अभी जाते हैं एंड देख सकते हो टायर फ्लैट हो चुका है पूरा। शायद से पंचर होगा या फिर हवा ही नहीं होगा तो उसको भी फिर से भरवाना होगा। हमेशा एक ही चुना लगते रहता है पीछे का टायर पंचर हो गया। सो अभी जाते हैं हैंड पंप पंचर वगैरह रिपेयर करते हैं हवा वगैरह भरते हैं फ्यूल अप करके सीधा निकलते हैं एब्सोल्यूट इंडियन क्योंकि हम लोग आज लगाने वाले एम्बियन लाइट जो कि एक कार पे लगता है। गाइस स्टीयरिंग फ्लूइड भी भरना होगा। सबसे पहले कार का जो काम है बाकी सारा नॉर्मल बेसिक्स काम वगैरह वो सब करवा लेते हैं देन मॉडिफाई करवाएंगे। एंड देख ही सकते हो वेदर पूरा मतलब बारिश हो रखा है इसलिए बाइक वगैरह का कंटेंट भी शूट नहीं कर पा रहे बिकॉज जिसके देख ही सकते हो बारिश वगैरह दे रहे हैं एंड हम लोग बाहर नहीं निकल सकते तो इसीलिए आज कार का ही मॉडिफिकेशन ब्लॉग बनाने को हम लोग निकल के आए हैं। एंड हम लोग के साथ है रिको जो कि अभी कैमरा पकड़ रहा है उसका भी चैनल है जाके सब्सक्राइब करो वो भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मेरा जो फ्रंट का टायर है आप लोग देखिए आप लोग ने पहले का वीडियो क्लिप में देखा ही जो कि सिल्वर कलर पे वो भी व्हाइट कलर का था लेकिन वो पूरा टोटली फट चुका है एंड वो एक क्रैश हुआ था मेरा तो तभी जिसके आप लोग ने स्क्रैचेस वगैरह देखा। तो टायर वगैरह आप लोग चेक कर लो जब भी कार निकाल के लाते हो या फिर बाइक स्कूटी जो भी हो। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप लोग को इंडिया का सबसे बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करने जा रहा हूँ जो सबसे ट्रस्टेबल एंड प्रॉफिटेबल गेमिंग ब्रांड है एंड ये बिल्कुल लीगल सेफ एंड 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर पोकर माइनिंग जैसे हजारों गेमिंग एप्स है। मैं भी काफी टाइम से IPLwin.com का यूज कर रहा हूँ एंड इससे मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। इसको ऑपरेट करना एंड पैसा कमाना बहुत इजी है। जैसे इस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं आप लोग को मिलता है 111 कंसेशन बोनस साथ ही इसमें VIP एक्टिविटी का सुविधा उपलब्ध है। ढेर सारे गिफ्ट को जीतने के लिए आज ही जुड़िए IPLwin.com से ये कमाने का बहुत अच्छा मौका है। एयर प्रेशर बढ़ चुका है एंड आगे का भी आज और एक एक्सीडेंट होने से बच गया क्योंकि टायर प्रेशर एकदम नहीं था एंड मैं कभी चेक करना भूल जाता हूँ हमेशा। तो अभी फ्यूल अप करवाते हैं देन निकलते हैं स्टीयरिंग फ्लूइड लेने के लिए क्योंकि ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है एंड उसके बाद करवाते हैं अपना मॉडिफिकेशन एंड कितना प्राइस आता है एम्बियन लाइट लगाने में एंड किस तरह से लगता है वो आप लोग को दिखाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग खुद से लगा पाओ ऑनलाइन ऑर्डर करके। सो देखते हैं ये कि आजकल ब्लॉग नहीं आ पा रहे मतलब मैं काम में इतना बिजी रह चुका हूँ कि ये कार जब मैंने परचेस किया था उसका भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा था एंड काफी लोग सोचते हैं कि मैं जानबूझ के लेट कर दूँ जानबूझ के लेट नहीं करता हूँ आज टाइम मिला इसलिए आज भी ब्लॉग भी आज शूट कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बाय करते रहता हूँ रिसेंटली मीवी का वो साउंड बार भी परचेस किया उसका भी रिव्यू देंगे जिन लोगों को लेना है एंड एल्पाइन स्टार का राइडिंग जैकेट भी मैंने परचेस किया जो कि मोटो ब्लॉग में काम आएगा एंड बहुत जल्दी से साइड से मैं बाइक वगैरह भी परचेस करने वाला हूँ तो मोटर ब्लॉग भी आप लोगों को दिखते रहेगा एंड कार मॉडिफिकेशन वगैरह भी दिखते रहेगा। ब्रेक भी हम लोग को अपग्रेड करवाना है क्योंकि बारिश के दिन में पता नहीं मेरा ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आ रहा है बारिश के दिन में मतलब बिल्कुल लिटरली ब्रेक एकदम पूरा एंड तक प्रेस हो जाता है लेकिन ब्रेक ठीक से लगता नहीं है हल्का हल्का लगता है। किसी को अगर पता हो क्या प्रॉब्लम है ये कॉमेंट डाउन भी लो। जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि R15 का गिव अवे चल रहा है चैनल पर एंड क्या प्रोसीजर रहने वाला वो तो अब तक बताया नहीं है लेकिन सब्सक्राइब करके रखो बहुत जल्द से किसी भी एक ब्लॉग में मैं डाल दूंगा एंड आफ्टर दैट टारगेट एक टारगेट सेट होगा उसके बाद जो भी विनर रहेगा उसको मिल जाएगा एक R15 V3 रहेगा वो। सो देखते हैं
क्या होते क्या रही। एंड जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करके रखो। ये रहा अपना स्टीयरिंग फ्लू, चौकी मैं तब से बोल रहा था। सो इसको डालते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एब्सोल्यूट इंडियन, जैसे कि देख सकते हो। ये भाई अपना मॉडिफिकेशन करने वाला है। सो कार को ठीक से पार्क करते हैं। ओके एंड अभी लगाते हैं इसमें कार्डी, सॉरी कार्डी तो बहुत महंगा आता है, नॉर्मल एम्बियन लाइट लगाते हैं। सो भाई दिखाइए दिखाइए डैशबोर्ड ना, डैशबोर्ड विद डोर पैनल। This one will be for the dashboard only. सिर्फ डैश के लिए कार्डी का है, मल्टी कलर आता है कार्डी के फोर। एयर कंट्रोल। प्राइस क्या रहेगा इसका? प्राइस विल बी वेरी हाई प्राइस। ओके। आई वोंट मेंशन द प्राइस इन वीडियो। आओ फिर डिस्काउंट वगैरह डिस्काउंट वगैरह कर देगा आने पर। एब्सोल्यूट इन्वेंट है। देन ये जो है वो मैं लगाने वाला हूँ क्योंकि ये पूरा डोर पैनल तक जाएगा। एक किलो का भाव में आता है, एक किलो का भाव में आता है, लेकिन जिन लोगों को लगाना है कार्डी सबसे महंगा वाला वो इधर आता है 9000 का। ये मैट्रिक्स एलईडी एम्बियंट लाइट सस्ता में मिलेगा, सस्ता में भी मिल जाएगा, सिर्फ कॉन्टेक्ट करो, ऑर्डर देना पड़ेगा पहले। 5-1 विल गो फॉर द डैशबोर्ड एंड 4 विल बी फॉर द डोर्स। यस एंड पूरा परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा 100%। जैसे कि देख सकते हो ये सारे जो ये लेजर से ये मतलब एक प्रोजेक्टर टाइप काम करता है, वो इस मतलब इसके अंदर से जाएगा एंड पूरा रिफ्लेक्ट करेगा इस मतलब जो भी प्लास्टिक को, इसको पूरा रिफ्लेक्ट करता है, उसी से ये पूरा मतलब ग्लो करता है। तो वो रहा बिल्कुल, इसको एक बार हम लोग अपना कार पे लगा के देखते हैं इसका लुक्स कैसा आता है। इसको लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है। फिलहाल तो ये परफेक्ट फिटिंग नहीं है, लेकिन ये यहाँ से कटआउट होता है, देन कटआउट होके ये पूरा अंदर चला जाता है। सो देखते हैं, अगर स्ट्रेट पाइप करवाते हैं तो ये जरूर से लगाऊंगा एचकेएस का, मस्त है ये बिल्कुल। सो इस तरह का एक पाइप आता है, बिल्कुल सब सेपरेटली आता है, इस तरह का एक पाइप रहता है, देख सकते हो पतला सा पाइप, वो इस पाइप के अंदर से जाता है। मतलब जितना इजी दिखता है ये काम उतना इजी है नहीं, तो इसको पूरा अंदर तक लेना पड़ता है। फिर ये जो पार्ट है ये जाता है डायरेक्टली वो प्रोजेक्टर तक, जो मतलब वो लेजर लगा हुआ है उधर तक जाता है। ये एम्बियन लाइट का जो स्ट्रिप है वो डोर पैनल पे आ रहा है, लेकिन ठीक से फिटिंग नहीं हो पा रहा है, देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। एंड जो लेज़र था मैंने आप लोग को बोला था इस तरह का लेज़र, वो डोर्स का बैक साइड पे लगा है, सब देख सकते हो वो ये इधर आया है। देन ये वायरिंग पूरा देख सकते हो, देन ये फ्रंट से लगा है। ये सो गाइस देख सकते हो कार के अंदर कितना सारा धूल मिट्टी आ चुका है, तो उसको भी क्लीन करने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर परचेस कर लेते हैं, 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर देख सकते हो। सो गाइस आज मोटा मोटा खर्चा होने वाला है, ये भी परचेस कर लिया हम लोग ने, तो अभी देखते हैं किस तरह का क्लीनिंग करता है ये। मोडिफाई करने आके इधर हम लोग गंद सफाई कर रहे हैं अपने कार का। सो गाइस देख सकते हो पूरा पैनल खुल चुका है, ये वाला डोर का लग चुका है, फिर वो डोर का लगना बाकी है, अभी फिलहाल तो ये डोर लग रहा है। देन डैशबोर्ड का भी काम है। प्लेन में और थोड़ा चेंजेस है, हम लोग का जो ये बुड्ढू सा देखने वाला ये जो स्टीरियो सिस्टम है वो चेंज होगा, इसमें अभी लगाएंगे एंड्रॉइड सिस्टम। एम्बियन लग चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ यही डोर पे बाकी था, ये भी लग चुका है। ये लाइन लगाने वाला हूँ, देख सकते हो ब्लॉकबस्टर का, ये 9 इंच का स्क्रीन लगने वाला है। एंड फिलहाल को इधर देख सकते हो एम्बियन लाइट पूरा फुल्ली लग चुका है, जिसका आउटफिट मैं आप लोग को रात को दूंगा, रात को ये ज़्यादा ग्लो करता है। एंड मेरे को ये इधर लगाना पड़ा कॉज जब भी ये बेंड हो रहा था तो एंड तक जो है वो लाइट नहीं पहुंच पा रहा था ठीक से, तो ये वाला भुट्टू सा ये स्क्रीन भी चेंज हो जाएगा अभी। पुराना ये था टेप, ये अभी हट के एंड्रॉइड स्क्रीन बैठेगा ये वाला। देखो
ये किसी आदम जमाने का था, इतना बड़ा टेप रिकॉर्डर पायोनर का था। ये ब्रांड अच्छा है इसीलिए सालों साल चला। क्यों था पुराना स्क्रीन है, ये है नया स्क्रीन। देखते हैं अभी फिटिंग वगैरह होता है कि नहीं, अगर फिटिंग वगैरह हो जाता तो मस्त है। जैसे कि देख सकते हो ये हम लोग का एंड्रॉइड स्क्रीन जो है 9 इंच का वो लग चुका है। एंड इसका साउंड का क्लियरिटी एंड इसका जमीन 19-20 लाख का पड़ गया। एंड चेस का भी सॉन्ग प्ले किया आटा से और बिना मैदा के, किसी भी दूसरे डाइजेस्टिव बिस्किट नहीं चाहिए, बिस्किट नहीं खाना है मेरे को। तो गाइस जो स्पीकर लगा हुआ है वो सोनी एक्सप्लोड का ओरिजिनल है, जो कि एब्सोल्यूट इन्वेंट से ही लगाया था मैंने। एंड एब्सोल्यूट इन्वेंट का जो मतलब एड्रेस वगैरह रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिन लोगों को करवाना है। मेरे लिए हम लोग का विदाउट ये प्लास्टिक का पार्ट जो है चेंज किया हुआ है, बिल्कुल अपना विपुल भाई ने लगा दिया। ये 9 इंच का स्क्रीन डायरेक्ट इधर नहीं मिलता है इसलिए मॉडिफाई कर दिया। सिर्फ मतलब विपुल ही पॉसिबल कर सकता है। एंड ये देख सकते हो ये इधर रहेगा जो माइक है, संदोखा लग चुका है देख सकते हो। ये पूरा एंड्रॉइड सिस्टम जो है, ये मेरा स्क्रूड है बेटा। देन ये देख सकते हो एम्बियंट लाइट से लेके नीचे ऊपर, देन ये पूरा ऑल ओवर इंटीरियर का हम लोग का मॉडिफिकेशन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस करवाना और थोड़ा कुछ है बाकी, फिर देखते हैं। एंड टोटल कॉस्ट जो है मेरे को लगभग 8-9 thousand आ चुका है। एंड यही तक था वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड मैं रात का आउटपुट आप लोग को दूंगा, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। ओके सो फाइनली गाइस हम लोग का मॉडिफिकेशन जो है कम्प्लीट हो चुका था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रहा था उस दिन, आज शूट कर रहा हूँ। तो दिखाते हैं आप लोग को फाइनल आउटपुट एंड म्यूजिक सिस्टम का मतलब साउंड क्वालिटी, जो कि इसको लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो दिखाते हैं आप लोग को कैसे क्या इम्प्रूवमेंट आया है एंड कैसा लुक्स है। एंड जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये मैंने हम लोग ये लगाया था, तो अभी तो फ्लैश जल रहा है इसीलिए ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग को फ्लैश ऑफ करके क्लिप दिखाऊंगा। तो इस तरह का एक ऐप आता है इस लाइट के लिए, तो इस ऐप से मतलब आप लोग फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो इस लाइट का कलर। एंड देख ही सकते हो जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे चेंज हो रहा है। तो आप लोग एक वीडियो देखो जिसमें मैं आप लोग को स्टीरियो का साउंड भी सुनाऊंगा एंड इस लाइट को भी चेंज करके दिखाता हूँ। सो देखते हैं अभी आप लोग को इसका एक साउंड सुना तो NCS का प्ले करना होगा, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। आई गेस आप लोग को आइडिया हो चुका है कि किस तरह का साउंड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ चुका है। एंड ये लाइट तो काफी कूल दिखता है। एंड ये जो नीचे का जो एम्बियंट है वो मैंने पहले से ही लगाया था, जिसका कॉस्ट अराउंड 900 आ गया था। तो ये सस्ता ही है, हर कोई लगा सकता है। अगर आप लोग भी लगाना चाहते हो तो मैं ये रिकमेंडेड है, ये लगा सकते हो। लेकिन इस पे मतलब अगर आप लोग का बजट कम है तो ये लगा सकते हो, लेकिन अगर बजट ज्यादा है तो आप लोग मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके कार्डी K4 परचेस करो इसके अलावा, क्योंकि ये दिन में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ये कार का बहुत सारा मॉडिफिकेशन आना बाकी है, तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करके रखो गिव अवे के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।